वो साधु जी कौन था उस कुत्ते को मैंने जाना। काट काट कर देखने की बात करो, हमको गाजर मूली समझाए क्या? तुम्हारी बदन में खून दौड़ रहा, हमारे पानी दौड़ रहा है क्या? उत्तर प्रदेश में पहली मरतबा लोकसभा जा रही है। अखिलेश यादव का आधा परिवार बीजेपी में है। एक लड़े हम औरंगाबाद, 22 साल बाद उस सीट को शिवसेना से MIM ने छीना। ग्लोबल टुडे सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं, खबर जो करे असर। कि लोकसभा में उत्तर प्रदेश में हम लड़ेंगे, तो क्या आपने ये बाकी ऑफिशियली ऐलान किया है या इरादा है आपका या थोड़ा सा डिले करेंगे? उत्तर प्रदेश में पहली मरतबा लोकसभा का इलेक्शन लड़ने जा रही है। अच्छा। 2024 में पार्टी ने ये तय कर दिया जी, यहाँ बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब की हिदायत सबको मिल चुकी है। अच्छा, हम उस पर काम भी कर रहे हैं। अच्छा, तो उस पर कमेंट ये भी तो आ रहा है साथ में कि एक बार फिर से लोकसभा में बीटिंग वाला किरदार निभा के फिर से खेल खराब करेगी। 2019 में हम लड़े जी, अभी लड़े थे सपा बसपा मिल के लड़े थे ना जी। कौन बीटिंग था बताइए आप जी। वो नाबालिग बच्चे हैं उनकी क्या मालूम। मुलायम सिंह यादव का आधा परिवार बीजेपी में, अखिलेश यादव का मुलायम सिंह चले गए उनकी बात क्या करें। अखिलेश यादव का आधा परिवार बीजेपी में है, पहले उनसे पूछिए ना कि बीजेपी की बी टीम कौन है। समाजवादी पार्टी के मुसलमानों से पूछिए, इल्ज़ाम लगाने वाला मुसलमान। ये इल्ज़ाम काशी राम पे भी लगते थे, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा। अगर हम बी टीम होते बीजेपी तो तेलंगाना के अंदर बीजेपी की हुकूमत होती है टीम की ना, तो तेलंगाना रहा या पहले आंध्रा रहा आज तक नहीं बन पाई वहाँ बीजेपी की हुकूमत। ये इल्ज़ाम लगाने दीजिए लोगों को। हम पूरे हिंदुस्तान में 3 लोकसभा लड़े थे 2019 में, पूरे हिंदुस्तान। किशनगंज वहाँ कौन जीता? कांग्रेस। 3 लाख से ज्यादा वोट मिला तरुणीमान साहब लड़े। एक लड़ाई हैदराबाद जहाँ से हमारे लीडर 2,14,000 से जीत गया हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष। एक लड़े हम औरंगाबाद, 22 साल बाद उस सीट को शिवसेना से MIM ने छीना। तो आप बताओ कि हमारी वजह से कहाँ? कहीं ना कहीं MIM के चाहे प्रदेश अध्यक्ष हो या राष्ट्रीय अध्यक्ष हो, किसी न किसी बयान के लिए कॉन्ट्रोवर्शियल रहते हैं उनके बयान। जैसा कि आप आज ने आपने फ्लो फ्लो में बोल दिया या खुद बोला वो बयान के साधुओं वाला, तो क्या आप इस बयान पे कायम रहेंगे अपने? कौन सा साधु वाला? साधु वाला कि किसी मुसलमान का गुस्सा चेहरा देख लेते, थोड़ा सा जिस तरह से जाने जाते हैं वैसे साहब भी बोले भड़काऊ बयान देते, चीजें आती रहती है सोशल मीडिया पर। कह रहा हूँ कि वो साधु जी कौन था उस कुत्ते को मैं नहीं जानता। ठीक है, मैं 2 कदम बढ़ के बोल रहा हूँ जी। आप क्या समझ रहे हो कि हम जो बोल देते हैं उसको माफी मांगे वापस लेंगे? हम उससे कह रहे हैं ना, तुम काट काट के फेंकने की बात करो, हमको गाजर मूली समझाए क्या? तुम्हारी बदन में खून दौड़ रहा, हमारे पानी दौड़ रहा है क्या? तुम अगर कानून को नहीं मानोगे तो हम तुमको कानूनी तरीके से सिखाना जानते। हाँ, बोला था और फिर बोल रहा हूँ। ग्लोबल टुडे खबर जो करे असर।